क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 और पहली किताब का, और लेसन नंबर 2 दूसरी किताब सांख्यिकी का। पहला इंडियन इकोनॉमिक्स उसका एक चैप्टर रिलीज किए हैं, और दूसरा स्टैटिक्स का एक चैप्टर, यानी कि 11th के इकोनॉमिक का लेसन नंबर 1 दोनों किताब का पढ़ाया जा चुका है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2। तो जो विद्यार्थी क्लास 12th में है तो उसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि वो 11th के साथ साथ 12th को भी कवर करते चले। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही शॉर्ट में और मोटे मोटे अल्फाज में ये लेसन हम पढ़ेंगे, ताकि जो विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स से डर लगता है उसको आराम से ये चैप्टर समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के पढ़ने का क्या मतलब है उसको ये मतलब भी समझ में आए। आखिर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो हमें इतना तो पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, और इकोनॉमिक्स से हमें फ़ायदा क्या है, और इकोनॉमिक्स से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ करके। तो इस चैप्टर में, चूँकि ये किताब है, चूँकि इसमें भी दो किताब होगा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा और एक समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की तरह हम आपको पढ़ाएंगे, तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में है क्या, तो इसमें बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमारे पास हमेशा ये समस्याएं रहती है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास रहता है कि हम क्या चॉइस करें, क्योंकि हर देश में क्या होता है कि संसाधन सीमित होता है, संसाधन बिल्कुल असीमित नहीं होता, सीमित होता है, यानी कि एक लिमिटेड होता है, और उसी लिमिटेड संसाधन में हमें अपने ज़रूरत को, हर ज़रूरत को पूरा करना होता है, जो भी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध साधनों की तुलना में कई अधिक होती है, यानी कि अब इकोनॉमिक्स में यही चीज़ हमें पढ़ना है कि जितने भी हमें, हमारे पास रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस संसाधन को इस तरह से हम इस्तेमाल कर ले ताकि हमारी जितनी भी आवश्यकताएँ हैं वो सारी की सारी आवश्यकताएँ पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में यही है कि संसाधनों के दुर्लभता को, किसी भी संसाधन, किसी भी देश में संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो इन संसाधनों की दुर्लभता को दूर करने के लिए हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, ताकि संसाधनों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें, उपयोग कर सकें, ठीक है। तो संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज जितना हमारे पास है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है कई तरीके से हम कर सकते हैं, एक चीज़ से कई सारी चीज़ बना सकते हैं। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ बनाएं और क्या चीज़ छोड़ें, ठीक है। तो जो चीज़ हम बनाएं उस चीज़ की हमें आवश्यकता होनी चाहिए, और जो चीज़ हम ना बनाएं उस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर समस्या होती है हमारे लिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, और इसी लिमिटेड संसाधन में हमें अपने सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, इसलिए इकोनॉमिक्स का स्टडी हम करते हैं। हमारे लिमिटेड संसाधन में हम अपनी समस्त समस्याओं का, मतलब आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी, अर्थशास्त्र की परिभाषा कि दुर्लभ स्थिति में चयन संबंधित व्यवहार का अध्ययन, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो पर्याप्त नहीं है, उस पर्याप्त रिसोर्सेज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र एक विषय है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग है विवेकशील पर केंद्रित है, यानी कि रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि रिसोर्सेज हमारे बिल्कुल जो है हमारी आवश्यकताएं पूरा कर दे और हमें आर्थिक कल्याण हमारा हो, ठीक है, हमारी तरक्की हो, तो इस तरह से हमें रिसोर्सेज का उपयोग करना ज़रूरी है। अब अर्थशास्त्र जो होता है वो कई तरह का होता है। पहला अर्थशास्त्र होता है हमारा, अर्थशास्त्र के कई सारे तरीके होते हैं, डेवलपमेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र को दो परिभाषा में परिभाषित किया गया है। पहला है व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें अर्थशास्त्र की इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का, उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु, साधन या कीमत निर्धारण, व्यक्ति का मांग, एक फर्म आदि, यानी कि एक इकाई का, मतलब अर्थव्यवस्था के एक इकाई का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा पूछे तो इस परिभाषा में यहाँ पर लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था के एक इकाई का अध्ययन होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु, यानी कि एक
एक इकाई का यहाँ पर केवल अध्ययन है। एक व्यक्ति का क्या उपभोग है, क्या संतुलन है, क्या व्यक्तिगत वस्तु साधन कीमत, तो एक इकाई यानी कि अर्थशास्त्र का इकाई एकात्मक जो भी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई उसको पढ़ने को हम व्यष्टि कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग, ठीक है, व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करना है। यानी कि जितने भी इसमें अध्ययन होगा ये व्यक्तिगत होगा, एक ही विषय, एक ही व्यक्ति के आधार, एक ही चीज़ से संबंधित जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र का जो विषय हम पढ़ेंगे उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इससे हमको क्या क्या पता चलेगा, राष्ट्रीय आय, उत्पादक व्यवहार, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र, वितरण का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय, एक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय, उत्पादक व्यवहार कि क्या पैदा किया जा रहा है एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में, अब जो पैदा किया जा रहा है उसका डिमांड के अकॉर्डिंग उसका कीमत निर्धारण होगा, अब वो चीज़ डिमांड है तो वाकई अर्थव्यवस्था का कल्याण होगा, और वितरण का सिद्धांत डिमांड और सप्लाई के ऊपर वो चीज़ें चलेगी। समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में इस अर्थव्यवस्था के समस्त इकाइयों को पढ़ते हैं। आर्थिक सिद्धांत का वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, मतलब सारा का सारा इकोनॉमिक्स को एक इकाई के रूप में हम पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इंडिविजुअल के बारे में हमने सारा चीज़ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का सारा टर्म्स उस पर अप्लाई करके पढ़ेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई को, अर्थव्यवस्था को ही सारा संपूर्ण एक इकाई मानकर पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक डाली है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर एक शाखा है तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरा पेड़ है। ठीक है, इस तरह से समझो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर एक शाखा है, एक डाली है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होगा, पूरा वृक्ष होगा, पूरा पेड़ होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र भी है राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर। यानी कि व्यष्टि पूरे अर्थव्यवस्था को जो है एक इकाई के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं। रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, सरकारी बजट और सरकार का बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब अर्थव्यवस्था को पूरा एक इकाई के रूप में यहाँ पर स्टडी हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता मतलब गरीबी, मुद्रास्फीति, महंगाई, सरकारी बजट जो सरकार का बजट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये सब का अध्ययन क्या हो गया, एक समष्टि अर्थशास्त्र का जो है एक उदाहरण हो गया। अब अर्थव्यवस्था के अर्थ देखिएगा, अर्थव्यवस्था के अर्थ प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार ऐसी प्रणाली है कि लोगों को जीविका प्रदान करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था ही लोगों की जीविका प्रदान करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है वो अपना अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वो करता है। ठीक है, आवश्यकता पूरा करने के लिए करता है। इसमें इकाइयों के समूह से होता है जिनके द्वारा उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, ये सब इसमें क्रियाएँ दिखती रहती हैं। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएँ किसी चीज़ को पैदा करना, उपभोग उसको फिर यूज करना, फिर निवेश यानी कि उसमें पैदा करने के लिए फिर उसमें पूंजी लगाना, निवेश। ठीक है, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, अब देखिए कि अर्थव्यवस्था का कौन सा जो है रूप को हम चयन करें वो आर्थिक समस्या है हमारा। आर्थिक समस्या के मूल रूप से चयन की समस्या है संसाधनों की दुर्बलता का कारण जो उत्पन्न होती है, मतलब संसाधन हमारे पास लिमिटेड है और इस लिमिटेड संसाधन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ये हमारे लिए चुनौती है। दूसरा, चूँकि मानव आवश्यकताएँ असीमित होती है उन्हें पूरा करना एक चुनौती है। प्रोफेसर एरिल रोक के अनुसार आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता से दोहन की समस्या है। यानी कि आप एक चीज़ को चयन करते हैं उस चीज़ का कितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ का आप दोहन कर रहे हैं उसका उपयोग ना कर रहे हैं, तो दोहन करेंगे तो संसाधन का आप उपयोग ना करके दोहन करेंगे तो खुद का भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे और आपका भी कल्याण नहीं होगा। ठीक है, आर्थिक समस्या से उत्पन्न होने के कारण देखिए क्या है कि आबादी इंसानों की चूँकि असंख्य है बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में हमारे लिए अलग अलग चुनौतियाँ जो है अभी भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित है, हमारे पास रिसोर्सेज सीमित है, लेकिन हमारे पास डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। वैकल्पिक उपयोग है, आप संसाधन को एक तरह से नहीं कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुधार करने की ज़रूरत है। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान क्या है, तो ये सब हमारे अर्थव्यवस्था में क्या है समस्याएं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, है कि नहीं, कैसे बनाएं, और ये कि अर्थव्यवस्था में क्या वो वाकई में वो चीज़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे लिए डेवलपमेंट सुनिश्चित करता है या नहीं करता है, ये सब मायने रखता है।
अब अर्थव्यवस्था के कई रूप होते हैं। एक अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी, यानी कि बाजार पर सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि बाजार किसी चीज़ की कीमत निर्धारण करेगी और किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट वो बाजार के अकॉर्डिंग होगा, कि यानी कि जो चीज़ मार्केट में बिक रहा है वो जो व्यक्ति बेच रहा है उस व्यक्ति की कल्याण होगा और जो उसको यूज कर रहा है उसका फ़ायदा होगा। तो बाज़ार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के फैक्टर होता है प्रोडक्शन, यानी कि उसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है जिस चीज़ का उद्देश्य लाभ है या फिर जिस चीज़ का आवश्यकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये डिमांड और मांग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्या मांग है उस हिसाब से जो है ये चीज़ें चलती हैं, यानी कि बाजार के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलती है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था, ये सरकार तय करती है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। इसमें उत्पादन क्या करना है सरकार का स्वामित्व होता है और क्या सामाजिक कल्याण है ये सरकार डिसीजन करती है, इसमें कंट्रोल करती है सरकार अर्थव्यवस्था को। ठीक है, ये हो गया हमारा केंद्रीय अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार और बाजार ये दोनों का हस्तक्षेप होता है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं मिल करके, तो इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि एक बाजार का भी रोल अपना होता है डिमांड और सप्लाई का, और प्लस सरकार भी जन कल्याण के लिए इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि उत्पादन और संभावनाएं, क्या उत्पादन हम कर रहे हैं और उसमें क्या संभावनाएं हैं, एक ग्राफ बना करके यहाँ पर दिखाया गया है। सपोज डैट यहाँ पर देखिए कि उत्पादन की संभावनाएं ए और उत्पादन की संभावनाएं बी। अगर गेहूं 150 टन बनता है तो मशीन देखिए एक भी नहीं बना और सीमांत अवसर लागत मशीन जीरो रहा, लेकिन उत्पादन बी देखिएगा अगर गेहूँ 140 टन पैदा किए हैं, मतलब सीमित हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सीमित है, 150 टन ही उत्पादन संभावना हमारे पास इतना है कि 150 टन ही गेहूँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन मशीन अगर नहीं बनेगा, अगर 150 टन गेहूँ पैदा कर लेंगे तो अब उसका अवसर सीमित देख लीजिए मार्केट के हिसाब से होगा और उसमें जो लागत होगा फिर क्या बेनिफिट है ये सब तय होगा। बी नंबर में संभावनाएं देखिए, अगर 140 टन जो हमारे पास रिसोर्सेज है अगर उसका इस्तेमाल 140 टन गेहूँ पैदा करने में किए तो 10,000 मशीन पैदा कर पाएँ, और यहाँ पर उत्पादन देखिएगा 10-10 हो गया। तो इसी तरीके से अगर एक वस्तु का उत्पादन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो एक वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा, और एक वस्तु का उत्पादन अगर हम कम करेंगे तो एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में यही चीज़ हमारे लिए समस्या होती है कि जो चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं वो सुनिश्चित करना हमारे लिए ज़रूरी है कि वाकई में उस चीज़ का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। अगर गेहूँ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप गेहूँ का उत्पादन कीजिए, और अगर मशीनों का ज़्यादा है तो मशीनों का कीजिए, मतलब दोनों के बीच में संतुलन कायम करना है, नहीं तो हमारा देश का जो है तरक्की नहीं हो पाएगी ठीक से। इस चीज़ को वक्र में भी सजा करके बताया गया है, यानी कि हमारे देश का देखिएगा डेवलपमेंट ये बता रहा है 150 हुआ तो मशीनें जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 150 में एक 50 मशीनें हमें 1000 में यहाँ पर बन रही है, तो हमें ये बैलेंस करने का यहाँ पर बताया गया है। उत्पादन संभावनाएं और विशेषताएं ये कर्व में यहाँ पर दिखाया गया है, देखिएगा सीमांत अवसर लागत इसका मतलब हुआ, MOC का मतलब हुआ सीमांत अवसर लागत, यानी कि किसी भी वस्तु को पैदा करने के लिए हमारे पास जो लागत है उसको हम सीमांत अवसर लागत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है सीमांत अवसर लागत MOC। तो इस वक्र में वही चीज़ दिखाया गया है जो हम बताएं आपको कि किसी भी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है और ज़्यादा करते हैं तो घट जाता है। तो इसमें हमको एक जो है सुनिश्चित करना होगा कि हमें क्या वस्तु की आवश्यकता है और क्या वस्तु की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, इसको हमें इम्पोर्टेंट हमारा है ये सुनिश्चित करना, यही चीज़ यहाँ पर दिखलाया गया है। ठीक है, MOC यानी कि जो सीमांत आय है किसी भी चीज़ को पैदा करने में जो लगता है। ठीक है, PPE हो गया उत्पादन संभावनाएं सीमा, यानी कि जो चीज़ को पैदा कर रहे हैं उसको पैदा करने की संभावनाएं क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसका संभावनाएं कीमत क्या है। ठीक है, तो दोनों में देखिएगा यहाँ पर है कि ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ का आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज़ का डिमांड नहीं है और उस चीज़ का प्रोडक्शन करने में आपका जो है खर्चा ज़्यादा है जबकि उस चीज़ का डिमांड नहीं है, तो इससे क्या होगा उस चीज़ में वृद्धि नहीं होगा, उस चीज़ में क्या होगा हमारे देश का नुकसान होगा। हमें वृद्धि करने के लिए उस चीज़ को पैदा करना है जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिमांड हो और कौशल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब टेक्निक होनी चाहिए, अगर कम रिसोर्सेज है तो उस कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़िया टेक्निक होना चाहिए ताकि रिसोर्सेज हमारे कम लगे और हम उत्पादन ज़्यादा कर सकें।
अगर मशीनें ज़्यादा बनाएंगे तो मशीन से जो हम काम करेंगे वो काम बहुत फास्ट होगा, और अगर हम अनाज पैदा कर लिए जबकि अनाज का कीमत मशीनों की तुलना में कम है, तो मशीनों की कीमत ज़्यादा है अनाज का कम है, तो हमें उस चीज़ को पैदा करना है जिस चीज़ का जो है डिमांड ज़्यादा है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, और अनाज उतना ही पैदा करना है जितना कि हमारे लिए जरूरत सकता है, या फिर अनाज अगर सस्ता है दूसरे देश में तो वहाँ से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दाई और खिसकाव के कारण देखिएगा यहाँ पर ये वक्र में देखिएगा कि तकनीक में सुधार संसाधनों में वृद्धि कर रहा है, तकनीक में सुधार नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि संसाधन का खराब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, संसाधनों की बर्बादी हो रही है। तो वही देखिएगा दाई और खिसकाव के कारण संसाधनों में वृद्धि हो रही है, तकनीक प्रगति, कौशल भारत अभियान जो अच्छा अच्छा इनिशिएटिव सरकार ले रही है, प्रशिक्षण कर रही है, तो इससे फ़ायदा होता है, सर्व शिक्षा अभियान इससे स्वास्थ्य शिक्षा से फ़ायदा होता है, स्वच्छ भारत अभियान इससे फ़ायदा होता है, योगा प्रसार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में बनाइए निवेश, ये स्कीम है भारत सरकार की, तो ये सब जो सरकार जो करती है अच्छी अच्छी जो इनिशिएटिव लेती है, तो इससे क्या होता है इकोनॉमिक्स को फ़ायदा होता है। और बाएँ और खिसकाव के कारण देखिएगा यहाँ पर कि संसाधनों में कमी, तकनीक अवनति खराब है, हमारा सिस्टम खराब है, टेक्नोलॉजी नहीं है सही, प्राकृतिक आपदा बाढ़ भूकंप सुनामी सूखा ये सब आने की वजह से हमारा इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था का रिसोर्सेज का हमारी बर्बादी हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, सामाजिक कुरीतियाँ, प्रवास, युद्ध, आतंकवाद, ये सब के वजह से हमारे देश का जो है विकास रुक जाता है। तो सकारात्मक तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, तो सकारात्मक वास्तविक आर्थिक विश्लेषण देखिए यहाँ पर कि इसके अंतर्गत यथार्थ अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या था क्या है, जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी, इन कथनों की जांच संभव होती है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या विश्लेषण किया जाता है, आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकृति का सुझाव देने की है कि उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए, गरीब को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सकारात्मकता में यही है कि पॉजिटिविटी इकोनॉमिक्स में लाया जाए, गरीबों को आगे लेके आया जाए, आदर्शात्मक में कि ज़्यादा अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों को जन कल्याण की सेवाएं प्रदान की जाए। इस तरह से जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह एक चैप्टर जो है हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई सवाल है, कोई ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ से अच्छे से प्रश्न पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ वहाँ पर, अगर नहीं वहाँ दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका वो जवाब जो है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, और शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।